बारहवीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ बहुत ही साख 83/2023-24 पेपर लेके आ चुके हैं, और साथ ही आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं है तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स आप लाने वाले, संपूर्ण हाल सहित पूरा पेपर कराया जाएगा आपके इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। आप लोग उससे रिकमेंड कर रहे थे कि बहुत ही साख पेपर फाइल आपका पेपर आ चुका, और स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 12वीं 83/2023-24 भौतिक शास्त्र, और जो पूर्णांक रहेगा वो आपका 70 नंबर का रहने वाला, आपको पता ही होगा, और कुल प्रश्न संख्या आपकी 19 रहेगी, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है, और दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 4 था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7 अंक निर्धारित है, तीसरा निर्देश देख लीजिए 4था 5वां, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए इसमें जो आपके यहाँ बहुत ही सारे पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर की सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो आपको ध्यान से देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। पहला था 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो आपका इसका ऑप्शन आता 5.46×10^10 और बा आता 6.25×10^18 और सा ऑप्शन आता 1.6×10^19 और दा आता 90×10^11। तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका बाहर रहेगा 6.25×10^18, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर पहला कंप्लीट हो जाता है। दूसरा था समय पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो आपका आता 0 डिग्री, बा आता 90 डिग्री, सा आता 45 डिग्री, दा आता 180 डिग्री। तो यहाँ पर समय पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो बीच का कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाइए, साथ ही इनके आपको जो स्क्रीन शॉट है वो लेते चलना, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी। तीसरा था विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका आपका आता ओम प्रति सेंटीमीटर, बा आता वोल्ट सेंटीमीटर और सा था वोल्ट प्रति मीटर और दा था वोल्ट। तो यहाँ विभव प्रवणता का ऐसा जो मात्रक है वो है आपका सा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, याद कर लीजिए विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। फिर आपका चौथा आता धारा मापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है, तो इसका आपका ऑप्शन आता वोल्टमीटर, बा आता अमीटर और सा आता वोल्टमीटर और दा आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर धारा मापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है आपका वोल्टमीटर, चौथे का आपका आकर्ट आंसर रहेगा। पांचवा आता है यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका 100% अनुगमनुपाती होता है, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा, √n के अनुगमनुपाती होता है। फिर छठवां आता है ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए प्रचलित किया जाता है, तो आपका आता ताम्र हानि, बा आता फ्लक्स क्षरण और सा आता शैथिल्य हानि और दा आता बम्बर धारा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए प्रचलित किया जाता है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा, बम्बर धारा। फिर सातवां आता है 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका आवेश। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, 7 नंबर के आते हैं रेगिस्तान। तो फिर आता है 1 रणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट से प्रारंभ होती हैं, तो इसमें आपका यहाँ पर अनंत आ जाएगा, ठीक है, अनंत से जो है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक रणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं, तो पहले रेगिस्तान में आपका यहाँ पर अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। दूसरा रेगिस्तान आता है मूल आवेश का मान डॉट कूलम होता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा 1.6, ठीक है, 1.6×10^19 कूलम, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है दूसरा रेगिस्तान कंप्लीट। तीसरा आपका आता है 1 फेरड बराबर दोनों स्थिर फेरड होते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका 9×10^11, ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर। में तीसरा आता आपका चौथा आता क्रचॉफ का प्रथम नियम डॉट के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर रहेगा आपका आवेश संरक्षण, ठीक है, आपका इसमें आ जाएगा आवेश संरक्षण। तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना है, यहाँ पर क्रचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पांचवा था चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को यहाँ पर लॉरेंज बल कहते हैं, इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा लॉरेंज बल, आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम है, आप बचा नहीं है, तो इसमें आपका यहाँ पर लॉरेंज बल आ जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर छठवां था षष्ठ को हमेशा डॉट क्रम में जुड़ा जाता है, तो इसमें आपका आ जाएगा समांतर, ठीक है, समांतर क्रम में यहाँ पर जुड़ा जाता है षष्ठ को हमेशा, इसमें आपका जाएगा समांतर क्रम में। फिर आपका सातवां था LC परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य यहाँ पर होता है आपका 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पर कलांतर होता है, तो इसमें आपका जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं सयुड़ी बनाइए, इनकी जो स्क्रीन शॉट वो आप ले लीजिए। अब सयुड़ी आती हैं जो 7 नंबर की कॉलम AOB में आपके यहाँ पर दी गई सयुड़ी पहले आती है चल कुंडली धारा मापी, तो इसको आपको धारा का चुंबकीय प्रभाव से मैच करना है
और दूसरी जाति सष्ट युक्त धर्मापी तो इसे आपको अमीटा से मैच करना है। जो तीसरी जाति क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा धर्मापी तो इसे आपको फाइव बराबर बी इंटू ए से मैच करनी है। जो चौथी जाति लॉरेंज बल तो इसको मैच करना है आपको क्यू यू वी साइन थीटा। जो पाँचवीं जाति चुंबकीय फ्लक्स इसे आपको यहाँ पर ठीक है, जो पाँचवीं जाति आपकी चुंबकीय फ्लक्स तो इसे आपको फाइव बराबर बी इंटू ए से मैच करनी है। ठीक है, जो छठी जाति चुंबकीय आघूर्ण इसे मैच करना है आपको ए एम स्क्वायर से। जो सातवीं जाति ध्रुव प्रवल तो इसे ए एम से मैच करनी है। ठीक है, आपको हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। चलकुंडली धर्मापी आप यहाँ पर धारा चुंबकीय प्रभाव और षष्ठ युक्त धर्मापी आपकी अमीटर रहेगी और क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा धर्मापी आपकी वोल्टमीटर रहेगी और लॉरेंज बल आपकी क्यू वी साइन थीटा हो जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहेगी आपकी फाइव बराबर बी इंटू ए और जो आपकी आती है चुंबकीय आघूर्ण इसे आपको ए एम स्क्वायर से मैच करनी है और जो साथ में आती ध्रुव प्रवल इसे आपको ए एम से मैच करनी है। तो इस तरह से आपकी हो जाती है सेवड़ी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आपके एक सदभाग के मुताबिक दीजिए सात नंबर के आते हैं। तो पहला था किस प्रकार के अब इस समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, तो जो इनके आंसर वो हमने यहाँ पर कॉपी में नोट कर रखे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सामान्य रूप से आवेशित अनंत तल, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। और जो दूसरा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो यहाँ पर दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर तीसरा था तांबे की तय त्रिज्या आदि करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर तांबे की तय त्रिज्या आदि करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप करेगा तीसरे का आंसर। चौथा आता धर्मापी कुंडली के बीच में नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है, तो चौथे का आंसर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल तथा त्रिज्यीय हो जाता है, ये रहेगा आपको चौथे का आंसर। पांचवा आपका आता सौ प्रतिशत का ऐसे ही मात्रक आप लिखना है, सॉरी पांचवा आता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमित सूत्र लिखिए, तो इसका आपका बीमित सूत्र हो जाएगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमित सूत्र है। छठवां आता सौ प्रतिशत का ऐसे ही मात्रक लिखिए, तो जो यहाँ पर सौ प्रतिशत का ऐसे ही मात्रक होता है वो हेनरी होता है, तो छठवें का आंसर आपका हेनरी हो जाएगा। सातवां आता लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो यहाँ पर जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो इस तरह से आपके एक सदभाग मुद्दा कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से इनका जो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। ठीक है, ये आपके एक सदभाग मुद्दा है, साथ ही ये आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर आप रेगिस्तान का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इस तरह से आपके एक सदभाग मुद्दा यानी जो आपकी पूरी ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दी है। आप चलिए जो आपके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, आपने ऑब्जेक्ट अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आपका प्रश्न पाँच आता है, दो विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे क्यों नहीं काटनी, दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसका। अथवा था विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रा के यहाँ बीमित सूत्र लिखिए, और जो इनके आंसर वो हम कराने वाले हैं। वीडियो पूरे देखना, समय पर प्रश्न किसे कहते हैं, अथवा था किसी खोखली गुड़ी चले के अंदर व्यवहार नियत क्यों रहता है। और प्रश्न सातवां आता है, तो प्रश्न सातवां देख लीजिए इसका, अथवा तो ओम का नियम लिखिए। फिर आपका आठवां प्रश्न आता है एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए, अथवा था अमीटर और वोल्टमीटर कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न नौवां आता है अचुंबकीय प्रतिचुंबकीय ठीक है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के आपको दो उदाहरण देना है, अथवा था फौलाद और लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। प्रश्न दस आता है फैराड के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, अथवा था दो कारकों के नाम लिखिए जिन पर वायु क्रोड कुंडली का सौ प्रतिशत निर्भर करता है। प्रश्न ग्यारह देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत आवरण क्यों नहीं होता है, इसका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका बारहवें क्वेश्चन आता है, बारहवें क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से सभी की, आपको स्क्रीन शॉट ले चलना और पूरी क्वेश्चन आपको याद करके जाना पेपर देने से पहले, और आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं। प्रश्न तेरह देख लीजिए, प्रश्न चौदह आता है तो प्रश्न चौदह देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको पेपर देने से पहले डट के जाना है, पूरी मार्क्स आप लाने वाले हैं। प्रश्न पंद्रह आता है किरचॉफ के नियम लिखिए तब उनकी व्याख्या कीजिए। फिर इसका अथवा आता है कि चल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न सोलह आता है दस वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं तीस आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 ए धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। और सत्रहवां क्वेश्चन देख लीजिए, किसी घोड़ी चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो, और अथवा सामान्तः क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चार नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, पाँच अठारहवां क्वेश्चन रहेगा आपका पाँच नंबर का देख लीजिए, और उन्नीसवें क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना, साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।